तो इंडियन सुपर लीग में मैच था हैदराबाद एफसी वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट्स का। अब हैदराबाद एफसी का होम ग्राउंड था तो होम सपोर्ट मिलेगा, एंड हैदराबाद एफसी ने मैच भी वैसे ही स्टार्ट किया। मतलब कि ये सारी होम टीम्स होती हैं, ये स्टार्टिंग में तो अच्छा खेलती हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में हैदराबाद एफसी डोमिनेट कर रही थी, मतलब कि एग्रेसिव खेल रही थी, मतलब दिख रहा था कि जीतना चाहती है। अब टेबल में पोजीशन की बात करें तो मैच स्टार्ट होने से पहले मोहन बगान सुपर जायंट्स की पोजीशन थी 3rd और हैदराबाद की 11th, तो डिफरेंस है, दिखता है। तो अगर हैदराबाद एफसी ये मैच जीतती है तो अपसेट होगा मोहन बगान सुपर जायंट्स को हराना, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि 8 प्लेसेस का डिफरेंस है और फॉर्म भी हैदराबाद एफसी का उतना अच्छा नहीं है। तो स्टार्ट तो अच्छा किया हैदराबाद एफसी ने, लेकिन वे 10th मिनट के बाद मोहन बगान सुपर जायंट्स मैच में आनी शुरू हुई और मैच को कंट्रोल करना शुरू किया। और अगर आप स्टैट्स भी देखो तो फर्स्ट हाफ में मोहन बगान सुपर जायंट्स डोमिनेटिंग थी, पोजीशन ज़्यादा, बॉल के टचेस ज़्यादा, क्रॉसेस ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा ही थे, शॉट्स फर्स्ट सब। तो स्टैट्स तो फेवर में मोहन बगान सुपर जायंट्स के, और मोहन बगान सुपर जायंट्स 10th मिनट के बाद वैसा खेलना भी शुरू करी थी, लेकिन मैच के 20th मिनट तक मतलब कोई भी टीम अच्छे चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही थी। मतलब जो क्लियर चांसेस होते हैं कि गोल होंगे एंड बहुत क्लोज जा रहे, नहीं, कुछ नहीं, ऐसी मतलब कि टू एंड फ्रो चल रहा था, आगे पीछे अटैक डिफेंस। 23rd मिनट में फिर मोहन बगान सुपर जायंट्स ने एक चांस क्रिएट किया, सहल समाद ने शॉट थोड़ा वाइड मार दिया गोल पोस्ट से। 35th मिनट में हैदराबाद एफसी की तरफ से लुनचुंगा ने फिर एक अच्छा क्रिएट किया, चांस रन बनाया अच्छा, लेकिन वही कन्वर्ट नहीं कर पाया। एंड 37th मिनट में फिर मोहन बगान सुपर जायंट्स ने गोल कर दिया। अब गोल मनवीर सिंह ने किया, लेकिन असिस्ट जो अनिरुद्ध थापा ने दिया, एकदम थ्रू बॉल दिया मस्त डिफेंस को काटते हुए, मनवीर सिंह ने बॉल रिसीव की और रन बनाया और कूल एंड कामली फिनिश कर दिया। मतलब कि डिफेंडर्स को सिट डाउन किया और आराम से गोल में बॉल मार दी। हैदराबाद एफसी की तरफ से भी अब्दुल रबी मतलब कि रन्स बना रहा था, उसमें स्पीड है, तो मोहन बगान सुपर जायंट्स के डिफेंस को वो थोड़ी तकलीफ दे रहा था, एंड उसी के कारण सुभाषिश और रोड्रिगेज इन दोनों को येलो कार्ड मिला। तो फर्स्ट हाफ में और पूरे मैच में ही बोल सकते हैं कि अब्दुल रबी ज़्यादा ही जो अपने फ्लैंक से अटैक कर रहा था, तो वही दिक्कत दे रहा था मोहन बगान सुपर जायंट्स को। बाकी तो फिर 41st मिनट में, मतलब फर्स्ट हाफ के 45 मिनट्स में हैदराबाद एफसी ने इतना थ्रेट नहीं किया मोहन बगान सुपर जायंट्स के गोल को, और हैदराबाद एफसी को लकी भी मतलब समझना चाहिए अपने आप को कि वो एक मैन उनका सेंड ऑफ नहीं हुआ, मतलब डाउन टू 10 मैन नहीं हुए, क्योंकि इंजरी टाइम में, फर्स्ट हाफ के इंजरी टाइम में एंड्रे अल्बा ने मतलब कि स्टट्स का चैलेंज किया था, एंकल पे सीधे मारा था दीपक तांगरी के, तो मतलब कि अगर वो येलो कार्ड मिला उसको, लेकिन कोई भी मैच में दूसरे मैच में दूसरा रेफरी होता तो क्या पता रेड कार्ड दे देता, क्योंकि बेचारे की दीपक की वो एंकल भी ट्विस्ट हो गया था और पूरा स्टट्स एंकल पे जाके लग रहा था। तो मतलब लकी था कि हैदराबाद एफसी के 11 मैन रहे। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, सेकेंड हाफ में भी सेम स्टोरी थी। अब सेकेंड हाफ में एक और गोल मार के मोहन बगान सुपर जायंट्स ने मैच ही ख़त्म कर दिया समझ लो। सुभाषिश गोल ने हेडर मारा और बॉल थी अच्छी, असिस्ट था स्टुअर्ट का। अब हैदराबाद एफसी ने उतने चांसेस क्रिएट किए नहीं मैच में, मतलब कि दिख रहा था कि 11th प्लेस है, तो फिर डिफरेंस दिख रहा था दोनों टीम्स में। हैदराबाद एफसी का सबसे क्लोजेस्ट मैं बोलूँगा तो इंजरी टाइम में आया 90 मिनट्स के बाद, 90 प्लस, वो भी लास्ट मिनट ऑफ इंजरी टाइम में, यानी रोड्रिगेज ने एक शॉट मारा, वो डिफ्लेक्ट होके फिर बार को लगा, क्रॉस बार को, और बॉल गई बाहर, कॉर्नर मिला था। तो उसके अलावा मेरे को और कोई ध्यान नहीं आता कि हैदराबाद एफसी ने कोई मतलब अच्छा चांस क्रिएट किया हो कि मिस किया हो। तो मतलब कि अगर हैदराबाद एफसी को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है तो इससे तो अच्छा खेलना पड़ेगा, और मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए एक इजी मैच बोल सकते हैं, मतलब कोई मैच इजी नहीं होता, बट हाँ कंफर्टेबल विक्ट्री थी, तो मतलब कंफर्टेबली जीत गई हैदराबाद के अगेंस्ट, अवे विन हुआ, तो इट वाज गुड। और देखते हैं फिर नेक्स्ट मैचेस में क्या होता है। कल तो दिवाली है, कल के मैचेस का तो वीडियो नहीं आएगा, लेकिन स्टिल टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय।